हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो डेली जीके जीएस का टेस्ट चलाया जाता है उसका हम टेस्ट वन स्टार्ट करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। या बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, या टीचर का एग्ज़ाम हो, या एसएससी जीडी या रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और इसको हम सीरियल ढंग से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए, रावी का हो जाएगा, उसके बाद ब्यास का हो जाएगा, उसके बाद सतलज का हो जाएगा, उसके बाद जमुना का हो जाएगा। यानी कि इसका जो 1, 2, 4, 5 इसका जो उद्गम है बात करेंगे तो इसका जो अफवाह है हिमाचल उत्तराखंड में आएगा, जबकि झेलम की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में हो जाएगा? J&K जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम हो जाएगा। झेलम की बात करेंगे तो इसका जो उद्गम स्थान है अनंतनाग जिला से बैरीनाग से निकलता है झेलम। श्रीनगर कहेगा किस नदी किनारे, तो झेलम नदी किनारे है। उसके बाद बात करेंगे रावी का जो उद्गम है, ब्यास का उद्गम है, ये दोनों का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में रावी का रोहतांग दर्रा से ही है। उसके बाद बात करेंगे सतलज का उद्गम स्थान राकस ताल झील से निकलता है। और यमुना की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थान यमुनोत्री से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बात करेंगे रावी, ब्यास, सतलज और झेलम, इसका जो सहायक यानी कि सिंधु का ही सहायक नदी है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यमुना किसका सहायक नदी है, तो गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा की बात करेंगे तो इस मृदा में सबसे ज़्यादा लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। लेटेराइट मिट्टी की जो प्राकृतिक होता है अम्लीय होता है। बात करेंगे पीएच मान जो मापा जाता है 0 से 14 तक मापा जाता है, जिसका पीएच 7 से कम रहता है उसको अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय कहते हैं, और 7 रहता है तो उदासीन कहते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी का जो प्राकृतिक होता है अम्लीय होता है। बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, लगभग 43% जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन की कमी होता है और पोटास की अधिक मात्रा होता है जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहेंगे। और बात करते हैं काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। और काली मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें सबसे उपयुक्त जो फसल होता है कपास होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र एरिया, गुजरात एरिया, ये सब एरिया में काली मिट्टी सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, कह रहा है जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों घाटी में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। करा जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। करा प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खाद कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती, ये गलत दिया हुआ है। सिंधु नदी की हम बात करेंगे तो सिंधु नदी जो उद्गम स्थान है तिब्बत के एरिया मानसरोवर झील से ये निकलता है, उसके बाद लद्दाख होते हुए इधर अरब सागर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाता है। तो ये लद्दाख होते हुए जाता है, तो यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल नहीं जाएगा। सिंधु नदी की हम बात करेंगे तो इसका जो लेंथ है 2880 है, सिंधु नदी की लंबाई कहेगा तो 2880 है, और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से ही है। सिंधु नदी के सहायक नदी जो है झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। बात करेंगे सिंधु समझौता कहेगा कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960। और ऊपर का जो 3 नदी है, सिंधु हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, उसके बाद चिनाब हो जाएगा, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। नीचे में 3 नदी है, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा और उसके बाद सतलज हो जाएगा। तीन नदी का 80% पानी भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। सिंधु समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इस समझौता को किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कथन क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि विषुवत वृत्त पर वायु का प्रवाह तेज होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जिन क्षेत्रों में गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार में प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है।
जबकि कह रहा है जो डॉगर क्षेत्र है इसलिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कह रहा है गर्म एवं ठंडी जलधाराओं को मिलने वाले क्षेत्र का तापमान मछलियाँ के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ गर्म और ठंडी, तो देखिए यहाँ पर प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएँ में जो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है बिल्कुल सही है, लेकिन प्रजनन के लिए नहीं है। इस तरीका का जो रहेगा तो वहाँ पर प्रजनन करेगा तो छोटा रहेगा ना उसका, तो वहाँ पर मरने की संभावना ज़्यादा रहेगा जो भी अंडा देगा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सही है पर आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है दो बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कर रहा था, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। और जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है, डेमोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहेगा किस वर्ष को माना जाता है, 1921 को महान विभाजन वर्ष माना जाता है और 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अमेजन नदी बेसिन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं। कह रहा है अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली है जिसके कारण पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों एक ही समय लगभग समान रूप में गर्म एवं आर्द्र रहता है, ये भी सही है। कह रहा है इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिल्कुल सही है। ए तो सभी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन की बात करेंगे ना, अमेजन नदी की भी बात करेंगे तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका का जो एरिया ब्राज़ील फैला हुआ है, ब्राज़ील की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है और वहाँ से ही अमेजन नदी निकलता है और अमेजन नदी और या अमेजन वर्षा वन जो जंगल कहते हैं यहाँ पर ही फैला हुआ है। अमेजन वर्षा वन की बात करेंगे ना तो पूरे विश्व में, यानी कि अमेजन वर्षा वन को, अमेजन जो जंगल की बात करेंगे तो इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ही 20% ऑक्सीजन अमेजन जंगल से ही प्राप्त होता है। अमेजन की बात करेंगे तो विश्व में चौड़ी नदी कहेगा तो अमेजन हो जाएगा, जबकि लंबी नदी कहेगा तो नील नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कालिदास निम्नलिखित में से कौन से नाटक नश्वर राजा और उर्वा और दिव्य अप्सरा यानी कि उर्वशी की प्रेम कहानी बताता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रमोवर्षीयम हो जाएगा। विक्रमोवर्षीयम में यानी कि नश्वर राजा यानी कि पुरुवा और दिव्य अप्सरा के उर्वशी की प्रेम कहानी इसमें वर्णन किया गया है। बात करेंगे मालविक मित्रम की बात करेंगे, कालिदास के द्वारा लिखा गया है और इसमें जो बात किया गया है क्वेश्चन कहेगा तो मालविक और अग्निमित्र के प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम के भी कालिदास हैं और इसमें बात करेंगे तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में वर्णन है, प्रेम कहानी के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है बौद्धिक सिद्धांत किससे संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म से हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म से ही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अशोक के स्तंभ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है और उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ होगा तो देखते हैं। करा है अशोक के स्तंभ शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, फर्स्ट में करा वे अच्छी तरह से पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर अखंड स्तंभ थे, बिल्कुल सही है। करा प्रत्येक पर एक सुंदर नकाशीदार पशु आकृति बनी हुई थी, बिल्कुल सही है। वे मुख्य रूप से गंगा के मैदान तक ही सीमित थे, नीचे रेकॉर्ड में उपयुक्त विकल्प को चुने, तो इसका जो सही आंसर तीनों हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा 11 का सभी हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी के सिद्धांतों का आधार क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, क्या कहें नैतिक हो जाएगा। गांधी जी की हम बात करेंगे तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और जबकि बात करेंगे ये अपना जो पढ़ाई किए थे लंदन में जाके किए थे और गांधी जी की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गए थे, एक व्यक्ति थे गुजरात के ही व्यापारी उनका ही केस लड़ने के लिए गए थे, तो गांधी जी को ट्रेन पर से यानी कि उतार दिया गया था, कहेंगे कि कहां से कहां जा रहे थे तो याद रखिएगा प्रिटोरिया से डरबन, तो इनको पिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर उतार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी का अनुवाद निम्नलिखित में से किस यूरोपीय द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई, तो इसका जो सही आंसर होगा रॉलेट टेप हो जाएगा। क्या रॉलेट टेप हो जाएगा? रॉलेट टेप इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो 8 नवंबर 1927 को गठन लंदन में हुआ, 3 फरवरी 1928 को भारत आया, और फिर 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट दिया था। तो नवंबर 1927 में गठन हुआ लंदन में, 3 फरवरी 1928 में भारत आया और 30 में रिपोर्ट दिया। तो साइमन कमीशन की बात करेंगे तो इसका 1928 में ऐसा जोरदार प्रदर्शन हुआ था, साइमन गो बैक के नारा लगाया था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, और इसमें खास करके लाला लाजपत राय थे, इनको चोट लग गया था सिपाही के द्वारा, फिर इनका मृत्यु हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 8 अगस्त 1942 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि यदि राजनीति निदेशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम आदमी किस न्यायालय में जा सकता है। देखिए, राज के नीति निदेशक की बात कर रहा है, आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। राज के नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36-51 तक वर्णित है, और राज के नीति निदेशक कहाँ से लिया गया तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 17 में। 11 नागरिकता से संबंधित बात बोला गया है, 12 की बात करेंगे तो राज की परिभाषा 12 में है, 15 की बात करेंगे तो इसमें धर्म जाति मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करने का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस की बात करेंगे तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया, जबकि लागू कब हुआ था, 1993 में हुआ था, लागू 1993 में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करेंगे तो इसमें 29 विषय के बारे में वर्णन किया गया था, जबकि नगर निगम की बात करेंगे तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही लागू किया, 1992 ही में ही जोड़ा गया था, और इसमें 18 विषय का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है, तो इसका हम बात करेंगे भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई, तो संविधान के आधार पर की गई। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो अनुच्छेद किस में वर्णन है, तो 148 में वर्णन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन 148 में इसका किया गया है, और कहाँ से कहाँ 148 से बात करेंगे तो 151 तक इसका वर्णन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो अनुच्छेद 123 के तहत, अध्यादेश का मतलब क्या होता है, टेम्पररी कानून होता है, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा कहेगा तो 213 ई एक है जो बीच में डाल दीजिएगा तो राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, तो नहीं लिखा गया है तो भारतीय कहीं देखेगा तो नहीं रहेगा, संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक ए भारतीय प्रस्तावना में है, भारतीय कहीं नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी के संख्यात्मक अनुपात होता है, तो इसका सही आंसर डी होगा, 1 के बराबर या उससे कम हो जाएगा। विस्थापन की बात करेंगे तो ये सदिश राशि है, जबकि दूरी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जिंक सल्फेट हेट्राइड यानी कि हेप्टाहेड्राइड यानी कि ZnSO4 आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर श्वेत तृतीया के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं सफ़ेद कशिश या श्वेत तृतीया के नाम से हम कह सकते हैं। हम इप्सन लवण की बात करेंगे तो हम इसको MgSO4 और 7H2O इसका सूत्र हो जाएगा। नीला थोथा की हम बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट कहते हैं, नीला थोथा को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा के कहेगा तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 और 5H2O हो जाएगा, क्या 5H2O हो जाएगा, 5H2O हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि हरा कशिश, तो याद रखिएगा हरा कशिश कहेगा तो FeSO4 और इसमें 7H2O लगाइएगा, 7H2O हो जाएगा, क्या 7H2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंडुलम के कंपन हो जाएगा, क्या पेंडुलम के कंपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या करा है कि कॉन्स्टेंस हॉल और सिनेमा हॉल
की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या वक्रीय बनाएगा, क्या वक्रीय बनाएगा, इस रूप में रहेगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा खाली स्थान की इकाई को व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KWH में हो जाएगा, किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा बराबर कहेगा कितना होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि किसी करा किस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे, क्या फोकस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा कि इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा एस्टर का प्रयोग किया जाता है, एस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 57 यानी कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा, क्या डी ब्लॉक हो जाएगा। कभी कभी लेकिन देखिएगा कोई पीरियडिक टेबल रहेगा उसमें आपको एफ ब्लॉक दिए हुए रहता है, जबकि आपको सही मानना है डी ही ब्लॉक। एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो 58 से स्टार्ट हो जाएगा, एफ ब्लॉक 58 से स्टार्ट हो जाएगा। और पी ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु मिलेगा, अधातु और उपधातु तीनों चीज़ पी ब्लॉक में मिलता है। और डी ब्लॉक की बात करेंगे तो इसको संक्रमण धातु बोला जाता है, संक्रमण धातु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जब अग्निशमन की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादन करने के लिए खाली स्थान में मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिकम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि समान मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होता है, तो अलैंगिक गुणसूत्र की बात करेंगे तो 22 जोड़ी यानी कि 44 वो अलैंगिक गुणसूत्र होता है, जबकि एक जोड़ी जो होता है लैंगिक गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है यानी कि उसी से लिंग निर्धारण होता है। समान मनुष्य की बात करेंगे तो उसमें 46 गुणसूत्र होता है यानी कि 23 जोड़ी होता है। और क्लिनिफेंटर सिंड्रोम की बात करेंगे तो उसमें 47 गुणसूत्र होता है, जबकि टर्नल सिंड्रोम की बात करेंगे तो उसमें 45 गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है काली खांसी को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर पर्टुसिस कहा जाता है, क्या पर्टुसिस। BCG का जो टीका लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है काली खांसी टिटनस, और क्वेश्चन पूछेगा कि BCG का टीका क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ तो ये हो गया काली खांसी डिप्थीरिया टिटनस तीनों के लिए लगाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर अजैविक घटक नहीं है यानी कि अजैविक घटक नहीं करा यानी कि जैविक घटन होना चाहिए, तो यहाँ पर हरा पौधा जैविक घटन आ जाएगा, अजैविक घटक के अंतर्गत नहीं होगा, तो जल हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से मिलता जो हो जाएगा ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा बसा में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए बसा में घुलनशील जो विटामिन की बात करेंगे ADEK ये बसा में घुलनशील है, जबकि जल की घुलनशील की बात करेंगे तो B और C जल में घुलनशील है, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा A और E बसा में हो जाएगा। BC की बात करेंगे जल में, यहाँ पर भी B दिया हुआ है तो ये जल में होता है, K बसा में, लेकिन करा बसा में घुलनशील तो A और E हो जाएगा, A और E हो जाएगा, ऐसे बसा में ADEK हो जाएगा। विटामिन की बात करेंगे तो फंक इसका खोज किया था, विटामिन ए की खोज किया था फंक किया था सॉरी विटामिन का खोज फंक किया था, विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था, मैगुलन किया था, और सी का कहेगा तो होलकट हो जाएगा, टीका हॉपकिंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाता है 12 जोड़ी। पसली की बात करेंगे जो रिप्स की बात करेंगे तो 12 जोड़ी होता है, और किसे कनेक्ट रहता है तो अस्टर्नम से कनेक्ट रहता है, किसे कनेक्ट रहेगा अस्टर्नम से कनेक्ट रहता है, याद रखिएगा अस्टर्नम बीच में जो रहता है अस्टर्नम से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, किस पंचवर्षीय योजना का था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे तो इसका जो शासन यानी कि काल था 1951 से 1956, द्वितीय की बात करेंगे तो 1956 से 1961, तीसरे की बात करेंगे तो 1961 से 1966, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो 3 साल का अवकाश हो गया था, चौथा की बात करेंगे तो 1969 से 1974 हो जाएगा, 1969 से 1974 हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड ओगन मॉडल पर आधारित है, दूसरी बात करेंगे तो ये PC महालोबिस मॉडल पर है, याद रखेगा। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया था, दूसरा में बड़ा बड़ा औद्योगिक ये सब चीज़ पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में
कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपये के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है। इसका सही आंसर एलोरा की गुफाएं हो जाएगा 20 रुपया के नोट में। हम और टोटल नोट की बात करेंगे तो 10 रुपया के नोट में कहेगा, 10 रुपया के नोट में कहेगा तो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा, और बात करेंगे 50 रुपया के नोट का तो हम्पी का जो रथ मंदिर है, हम्पी का जो रथ है 50 रुपया में है। 100 रुपया की बात करेंगे तो रानी का बाप जो है 100 रुपया में, रानी का बाप 100 रुपया में, और बात करेंगे 200 रुपया में तो सांची का स्तूप में 200 रुपया, 200 रुपया के नोट में सांची का स्तूप, लाल किला में 500, लाल 500 रुपया के नोट में लाल किला हो जाएगा। और बात करेंगे अब तो 200 का नोट 2000 का नोट नहीं चलता है, लेकिन इसमें जो था मंगलयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बागवानी और शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा खालिस्तान से ली गई। इसका सही आंसर एक हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से बात करेंगे तो संसदीय व्यवस्था कहेगा तो ब्रिटेन के ही संविधान से। राष्ट्रपति का पद भी कहेगा तो ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका नहीं मानना है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपातबंध जो राष्ट्रीय आपात कहेगा, राष्ट्रीय आपात कहेगा नहीं तो जर्मनी के समान, जबकि वित्तीय आपात कहेगा तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रीय आपात जर्मनी के संविधान से, जबकि वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की खालिस्तान पहल के साथ बढ़ाया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में डिजिटल इंडिया के तहत। किसके तहत? डिजिटल इंडिया। कब शुरुआत हुआ था? 1 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ, जबकि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में आयोजित खेल उत्सव 224 के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2004 होना चाहिए, सॉरी 2024 होना चाहिए, 2024 होना चाहिए, तो देखते हैं। तो करा है क्वेश्चन में कि यह आयोजन खेल एवं युवा मामलों मंत्रालय द्वारा किया गया, यहाँ पर यही गलत है, खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा नहीं होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। फिर करा इस उत्सव में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यहाँ 2024 कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा 5 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजन किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, क्या पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि हाल ही में आयोजित 133वां इंडियन वाइल्ड यानी कि दूर एंड कप किस टीम ने जीता, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि किसका 4 चरण का यानी कि प्रक्षेपण किया गया है, तो इसका 4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि 4 हो जाएगा। और बात करेंगे उड़ीसा के तट पर हाल ही में एक कौन चक्रवात आया है, दाना चक्रवात आया है, और दाना चक्रवात का नामकरण कौन किया है, याद रखिएगा कतर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में हुए कृत्रिम बौद्धिमता के वैश्विक संधि के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, तो देखते हैं। कह रहा है कि यूएसए यूके ने यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान पहली कृत्रिम बौद्धिकता कानूनी और बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि की, बिल्कुल सही है। कह रहा है मानव अधिकारों को लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ एआई की नवाचार को संतुलित करना, यह भी सही है, तो इसमें सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार किया, फिर कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा है यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा, बिल्कुल सही है। और करा इस वर्ष भारत ने अपने राजनीतिक संबंध के 40वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह भी सही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस रोग से संबंधित MDR की नई उपचार पद्धति मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, टीबी को, और टीबी को समाप्त करने का यानी उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल कितने वर्ष के हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पर 59 दिया, 49 होना चाहिए, 49 कर लीजिएगा, 49 वर्ष के हो जाएंगे, क्या 49 वर्ष के हो जाएंगे। और बात करेंगे सबसे कम उम्र की बात करेंगे तो जिया राय हो जाएगा,
अधिक उम्र के कहेगा तो सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्ष के इंग्लिश चैनल को पार किए हैं, और कम उम्र के बात करेंगे तो याद रखिएगा जिया राय हो जाएंगे, क्या जिया राय हो जाएंगे सबसे कम उम्र के। और बात करेंगे इंग्लिश चैनल को पार किए थे कौन, आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार किए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा है भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों में पशुओं को मारने की मंजूरी किस देश दिया है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, करा हाल ही में महिला संयुक्त कमांडर सम्मेलन की रक्षा मंत्री की राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, नवाबों का शहर लखनऊ में किया गया। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो समाप्त करते हैं, जय हिंद।